खबर है, लखीमपुर की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कल मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और इसका कुछ लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। कल मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तमाम उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां ये चाह भी रही थी कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस पूरे मामले की निगरानी करें, यानी उनकी निगरानी में जांच हो, लेकिन अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्वतः ही संज्ञान ले लिया है। स्वाभाविक है, सबसे बड़ी अदालत भी जो कुछ हो रहा है इस देश में, घटनाक्रम जिस तरह के वीडियो सामने आए वो भी उसे देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्नदाताओं के साथ जो कुछ हुआ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, इसलिए स्वतः संज्ञान लिया है। आवेश उस्मानी हमारे संवाददाता है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार भी था आवेश की, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले भी लिया है। खबर ये, जैसा कि आपने बताया है, कि कल मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में बेंच सुनवाई करेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में जो लेटर पिटीशन दाखिल की गई थी उसके ऊपर स्वतः संज्ञान ले लिया है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश के दो वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सी एस पांडा ने मुख्य न्यायाधीश को कल ही एक पत्र लिखकर भेजा था, जिसमें कहा गया था कि लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। तो साफ तौर पर उस लेटर पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और स्वतः संज्ञान ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच जो है वो इस मामले में सुनवाई करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आवेश उस्मानी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, कल मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। कल यानी बृहस्पतिवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करनी है।